नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक पत्रकार के सवालों से इस कदर बौखला गए कि उन्होंने पत्रकार को बिका हुआ तक कह दिया। यह अलग बात है कि इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही खुद अखिलेश यादव सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गए हैं। शुरुआती स्तर पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाथरस की बेटी रो रही है, उसे न्याय नहीं मिल रहा और प्रदेश के मुखिया बंगाल में टहल रहे हैं। उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी घमंड में चूर है और जातिवादी मानसिकता से काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक पत्रकार के सवालों से इस कदर बौखला गए कि उन्होंने पत्रकार को बिका हुआ तक बता दिया। बातचीत के दौरान एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से पूछ लिया कि हाथरस मामले में 2018 में ही छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस पर अखिलेश यादव पहले बोले, सवाल वह नहीं है। फिर अचानक ही आपा खो बोले, तुम आप फिर बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। इसके बाद अखिलेश यादव बोले, जरा अपने चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। अखिलेश के सवाल पर पत्रकार ने जब इस अपने चैनल का नाम बताया तो सपा प्रमुख फिर तुनक कर बोले, चैनल के बिके हुए आदमी हो। पत्रकार संघ इस पूरी बातचीत में अखिलेश पत्रकार की हैसियत तक पहुंच गए थे। अब यह वीडियो वायरल हो रहा है और अखिलेश यादव सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गए हैं। अखिलेश यादव के इस वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सुल्तानपुर के विधायक देवमणि द्विवेदी ने ट्वीट कर कहा कि अखिलेश जी, हाथरस में बेटे को छेड़ने और उसके पिता को गोली मारने के कृत्य में आपकी समाजवादी के नेता गौरव सोगरा मुख्य आरोपी हैं और वह अभी तक फरार है। समाजवादी का नाम बदलकर अपराधवादी पार्टी कर लीजिए। भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने इस पर बताया कि सासनी क्षेत्र में घटित घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उनका सख्त आदेश है कि आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। इसमें एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। योगी सरकार में आरोपित का रसूख जैसा हो और चाहे जिस दल से हो उसका संबंध हो, उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुनिए आप भी अखिलेश कैसे एक पत्रकार के सवाल पर बौखला उठे। अखिलेश जी, 2018 में ही मुकदमा दर्ज हुआ था छेड़छाड़ का। सवाल वो नहीं है, तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। जरा अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। बता बताओ, अब क्यों छिप गए हो तुम जाकर के? अगर हैसियत है तो बताइए किस चैनल की ओर है। प्राइम न्यूज के बिके हुए आदमी हो तुम। उल्लेखनीय है कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए कब्र गाहा बन चुका हाथरस एक बार फिर शर्मसार हुआ। यहां एक पिता को बेटी से छेड़खानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक की बेटी पुलिस स्टेशन के बाहर चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसकी यह चीख झकझोर देती है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हाथरस को लेकर योगी सरकार एक बार फिर खटघरे में है और विपक्ष के तमाम नेता शासन और पुलिस की नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हत्या आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच मृतक किसान की बेटी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह इंसाफ की मांग करती दिख रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बेटी रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसने बताया कि आरोपी ने पहले मेरे साथ छेड़खानी की, जिस पर पापा ने केस दर्ज किया। इस बात से चिढ़कर उसने मेरे पापा को गोली मार दी। रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रही बेटी का यह वायरल वीडियो आप भी देखिए, जिसकी चीख आपके मन को भी झकझोर देगी। इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे, पहले उनने मेरे साथ छेड़खानी की और आप जाते थे, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी, वो पैराइज
इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। छह सात लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ की खेत पर क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कुछ मतलब नहीं, आराम जाना आया, उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, गौरव संग्रह नाम से आराम जाता कुत्ता है वो। एक आखिर कब तक? बस अब तो यही एक छोटा सा सवाल हर लड़की, हर उस जिम्मेदार नागरिक के मन में उठता है जब भी एक महिला की इज्जत के साथ छेड़खानी की जाती है, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया जाता है। लाख कानून बनाए गए हैं लेकिन जमीनी स्तर पर उन पर अमल कितना किया जाता है, ये तो सचमुच राम भरोसे है। सभी को याद होगा कि उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला कुछ समय पहले भी एक दलित लड़की के साथ हुई रेप को लेकर सुर्खियों में बना हुआ था। अभी उस कांड को बीते ज्यादा समय भी नहीं हुआ कि एक बार फिर वहां की एक और बेटी के साथ छेड़खानी हुई, जहां उसके पिता को शहीदों का विरोध करने पर गोलियों से भून दिया गया। आखिर कब तक इस तरह की वारदातें सामने आती रहेंगी? कब इन वारदातों पर विराम लगेगा? यह सवाल आज हर लड़की के जहन में है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक